एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, जानिए चाणक्य क्या कहते हैं। दुनिया को धर्म और सच्चाई का मार्ग बताने वाले आचार्य चाणक्य ने ऐसी कई सारी बातें अपने उपदेश में कही है जो आज के समय में लोगों के काम आ रही है। धन दौलत, रिश्ते, समाज, दोस्त, पिता और पत्नी को लेकर चाणक्य के द्वारा कही गई बातें आज पूरी तरह से यथार्थ साबित होती है। स्त्रियों के विषय में चाणक्य ने खास बातें कही है और बताया है कि एक स्त्री में कैसे और क्या गुण होने चाहिए, एक स्त्री माँ, बहन और पत्नी के रूप में कैसी होनी चाहिए। ये बात आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में बखूबी समझाई है। इनके द्वारा बताई गई नीतियाँ आज देश और दुनिया में बड़े बड़े लोग मानते और फॉलो करते हैं। इसी तरह आचार्य चाणक्य ने बताया कि एक पत्नी का क्या धर्म है और पत्नी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि पत्नी आपकी जीवन संगिनी होती है और आप उससे सुख दुख सभी तरह की बातें करते हैं। दुनिया से आप कोई राज छिपा लेंगे, लेकिन पत्नी से कुछ भी छिपा लेना संभव नहीं है। तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार पत्नी कैसी होनी चाहिए। चाणक्य ने पत्नी को लेकर जो पहली बात कही है वो है पतिव्रता। हमने इतिहास में कई सारी ऐसी महिलाओं के बारे में सुना है जो पतिव्रता थी। गांधारी और सावित्री इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि एक पत्नी को पूरी तरह से पतिव्रता होना चाहिए, यानी किसी दूसरे पुरुष को देखकर उसके मन में किसी भी तरह का विकार या कोई भावना न आए। पत्नी का मन पूरी तरह से अपने पति के लिए समर्पित होना चाहिए। उसके मन में किसी अन्य पुरुष का भाव केवल बालक, पिता और भाई के रूप में आए तो ही घर स्वर्ग होता है। पत्नी के मन में पति की किसी भी बात को लेकर कोई शंका नहीं होनी चाहिए और न ही वो पति की बात को अनदेखा करे। भरी सभा में यदि पति कोई बात बोल दे तो पत्नी सहर्ष उसे स्वीकार करते हुए उस बात पर बिना बहस के अमल कर ले, और यही एक पतिव्रता पत्नी की निशानी है। पत्नी का यही गुण सबसे महान माना जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में इसे प्रमुखता से बताया है। एक पत्नी में ये गुण अवश्य ही होना चाहिए। पतिव्रता के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा गुण पत्नी का बताया है वो है पति का सम्मान करने वाली। एक पत्नी के सबसे प्रमुख गुणों में से एक है कि वो अपने पति का सम्मान करे। हमेशा पत्नी की नजरों में उसका पति ऊंचा होना चाहिए। पति कोई भी बात कह दे या कोई काम करे तो पत्नी उसका सम्मान करते हुए उस बात में पति का साथ दे। पति का अपमान करने वाली और हमेशा पति को बुरा भला कहने वाली पत्नी जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकती और न ही उसके घर में शांति आ सकती है। पत्नी जब पति का सम्मान करेगी तो घर में मौजूद अन्य व्यक्ति भी पति का सम्मान करेंगे, और ऐसा ही होना चाहिए। पत्नी का सम्मान पति के लिए सर्वोपरि होता है, और पति का सम्मान न करने वाली पत्नी कभी भी जीवन में सफल नहीं होती और न ही उसके जीवन में कोई सुख भरे कार्य होते हैं। पति के सम्मान के बाद आचार्य चाणक्य ने जो अगली बात बताई है वो है संतोषी स्वभाव। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पत्नी को संतोषी स्वभाव का होना चाहिए। घर में जितनी भी चीजें हैं उनमें ही गुजारा कर लेना और मन में किसी ऐसी चीज की लालसा न रखना जो उसके पास नहीं है। यही पत्नी का सबसे बड़ा गुण है। पत्नी ऐसी होनी चाहिए जिसकी मन की इच्छाएं सीमित हो और वो मन में संतोष की भावना रखे। मन में हमेशा संतोष रखने और संतोषी स्वभाव वाली पत्नी घर को स्वर्ग सा बना देती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब एक स्त्री संतोषी होगी तो अपने पति से किसी ऐसी वस्तु की मांग नहीं करेगी जो ला पाने में पति सक्षम नहीं है, और ऐसे में गृह कलेश और लड़ाई झगड़ा होने की संभावना खत्म हो जाती है। आचार्य चाणक्य ने संतोषी होना पत्नी का प्रमुख गुण बताया है। इसके बाद आचार्य ने कहा कि पत्नी की मीठी बोली होनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक पत्नी की बोली मीठी होनी चाहिए। वो किसी से बात करे तो उसे एक सुखद एहसास होना चाहिए। जब पत्नी अपने घर और आसपास में मीठी बोली बोलती है तो घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। मीठी बोली बोलने वाली पत्नी का पति हमेशा सुखी होता है, और जिन्हें इस तरह की पत्नियां मिलती हैं वो पति भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। कर्कश और झगड़ालू स्वभाव की औरत पति के जीवन को नरक बना देती है और उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं आती। इसलिए हमेशा एक पति को मीठी बोली बोलने का प्रयास करना चाहिए। पत्नी का अगला गुण जो आचार्य चाणक्य ने बताया है वो है धार्मिक। आचार्य कहते हैं कि धार्मिक स्वभाव वाली पत्नी हमेशा से ही अपने घर में सुख शांति लेकर आती है। अगर कोई पत्नी धार्मिक है तो वो एक दिन अपने पति को भी धर्म के रास्ते पर लेकर आएगी। धर्म के राह पर चलने वाली, हमेशा पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में ध्यान देने वाली पत्नी मिलना एक पति के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। धर्म के प्रति आस्था रखने वाली पत्नी मिलने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। ईश्वर पर विश्वास करके धर्म के राह पर चलने वाली पत्नी हमेशा ही घर की उन्नति का मार्ग खोलती है। ऐसी पत्नी घर में कभी भी अशांति नहीं होने देती है।
इसके अलावा घर के अन्य लोगों को भी वो धर्म के रास्ते पर लेकर आ जाती है। आचार्य ने धार्मिक होना एक स्त्री का सबसे बड़ा गुण भी बताया है। धार्मिक के बाद आचार्य चाणक्य ने पत्नी का जो सबसे बड़ा गुण बताया है वो है रक्षक। आचार्य कहते हैं कि जिस तरह से सती सावित्री अपने पति को मौत के मुंह से वापस ले आई थी, उसी तरह से एक पत्नी को होना चाहिए। पत्नी को रक्षक स्वभाव का होना चाहिए। उसके मन में ये संकल्प होना चाहिए कि उसके होते हुए उसके पति का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पति की रक्षा के लिए अगर किसी पत्नी को अपने प्राण भी देने पड़े तो उसे करना चाहिए। अगर पत्नी का स्वभाव रक्षक होने का है तो उस घर में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, और आएगी भी तो उसे बहुत जल्दी दूर कर लिया जाएगा। पत्नी का जो अगला गुण आचार्य चाणक्य ने बताया है वो है शांत स्वभाव, यानी क्रोध से मुक्त। आचार्य कहते हैं कि एक पत्नी को शालीन और शांत स्वभाव का होना चाहिए। उसके मन में किसी भी तरह का क्रोध नहीं होना चाहिए। शांत और सरल स्वभाव वाली पत्नी मिलना एक पति के लिए सौभाग्य की बात होती है। पत्नी अगर शांत स्वभाव की है तो घर में कलेश नहीं होते हैं, और जिस घर में कोई कलेश या झगड़ा नहीं है उस घर में कभी दुख या अशांति नहीं होती है। पत्नी का स्वभाव अगर शांत है तो वो अपने सास ससुर और बाकी घर के सदस्यों से प्रेम से बात करती है और उनसे प्रेम की भावना रखती है, और ऐसे में घर किसी मंदिर की तरह हो जाता है। शांत स्वभाव वाली पत्नी कभी भी घर वापस आने पर अपने पति से किसी भी तरह की झगड़े वाली बातें नहीं करती है। पत्नी के शांत स्वभाव के होने से घर स्वर्ग के समान हो जाता है। पत्नी का अगला गुण चाणक्य ने बताया है समझदारी। आचार्य कहते हैं कि एक पत्नी को समझदार होना चाहिए। उसे घर गृहस्थी, परिवार और समाज की समझ होनी चाहिए, जिससे वो हर किसी के साथ प्रेम से रह सके। एक समझदार पत्नी कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जो उसके पति के लिए संकट का कारण बने और घर में कोई भी समस्या पैदा करे। इसके अलावा पत्नी के समझदार होने से पति के साथ उसका रिश्ता और अधिक मजबूत होता है। समझदार पत्नी कभी भी बिना जरूरत के खर्च नहीं करती, जिससे हमेशा घर में धन संपदा बनी रहती है। समझदार पत्नी हमेशा अपने रिश्तों को महत्व देती है, जिससे घरेलू कलह नहीं होती है और घर में हमेशा शांति बनी रहती है। आचार्य कहते हैं कि एक पत्नी के समझदार होने से पति के जीवन की कई सारी समस्याएं खुद ही कम हो जाती है, और ऐसे में पति जीवन में आगे तरक्की कर पाता है। समझदार पत्नी मिलना एक पुरुष के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। तो ये थी आचार्य चाणक्य की वो बातें जो उन्होंने एक पत्नी के बारे में बताई है। आचार्य ने स्पष्ट रूप से सभी बातें कही हैं जिससे समाज में रहने वाली स्त्रियां एक आदर्श पत्नी बनने का प्रयास कर सके। हमने जानकारी इंटरनेट से ली है और केवल शैक्षिक उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है, इसलिए आप भी इसे ऐसे ही लें। किसी भी व्यक्ति या जाति की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। साथ ही आप हमें बताएं कि क्या आचार्य चाणक्य के द्वारा बताई गई ये सभी बातें सही है, और आपके हिसाब से एक पत्नी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। आपका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे वीडियोस हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद।